जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग अभी भी इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं इस राज्य में जा रहा हूं, क्या मुझे RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी होगा, और जिस राज्य में वो लोग जा रहे हैं वहां का कोरोना नियम यानी के वहाँ की गाइडलाइंस क्या हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनको कहीं पर क्वारंटाइन किया जाए, और या फिर उन्हें रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुँचें तो वहाँ पर उन्हें परेशान किया जाए। दोस्तों, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो लोग ट्रेन जर्नी करते थे, व्लॉग करते थे, उन लोगों ने भी अपनी ट्रेन जर्नी सब बंद कर दी है जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप ट्रेन से सफ़र ना करें। फिर भी अगर आपको ट्रेन से सफ़र करना है तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, रेलवे की तरफ से सिर्फ दो ही रूल हैं। पहला रूल, आपको मास्क पहनना है। दूसरा रूल, आपको स्टेशन परिसर में गंदगी नहीं फैलानी है। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं और स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाते हैं तो आपको 500 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अब हर राज्य का क्या रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी भी राज्य में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी और आपकी रैपिड टेस्टिंग भी हो सकती है अगर यात्रा के दौरान आपके अंदर कोई भी कोरोना का लक्षण आता है। दोस्तों, अगर आपको 24 से 36 घंटे या कितने भी घंटे की आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं उस यात्रा के दौरान आपको अगर कोई भी कोरोना लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी और जो कुछ भी कोरोना के लक्षण हैं वो आते हैं तो आपकी रैपिड टेस्टिंग होगी। रैपिड टेस्टिंग में अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाएगा। ये वो परिस्थिति है जब आपके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ना हो। अगर आप लोग चाहते हैं स्टेशन पर आपको बिल्कुल परेशान ना किया जाए तो आप RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट सभी राज्यों में ज़रूरी नहीं है। जिन जिन राज्यों में RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है उन राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम। ये कुछ राज्य हैं जहाँ जहाँ पर अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं और आप वहीं पर ही ठहरेंगे तो आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 दिन या 3 दिन के लिए अपने काम या बिज़नेस के सिलसिले से जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी बिज़नेस के सिलसिले से किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन आपको 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ से रिटर्न करना होगा। वैसे 1 हफ्ते का शायद टाइम पीरियड दिया गया है रूल्स में। अगर आप सारे रूल्स देखना चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट पर अलर्ट्स में सारे रूल दिए गए हैं, हर एक राज्य का रूल दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक राज्य का रूल मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुँचा दूँ। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।